बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉर्म है, बहुत ख़राब वेदर है। तो मैं अपनी बेटी को सुबह स्कूल भी छोड़ने नहीं गई क्योंकि बहुत ही ख़राब वेदर था, बिल्कुल काला अंधेरा था। तो अभी जो है हम जाएंगे किचन में और तैयारी करेंगे लंच की और देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ। तो सुबह के बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं और मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए जेली बना लेती हूँ। मेरी बेटी स्कूल से आती है तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट मांगती है, और मैंने चिकन भी निकाल लिया है क्योंकि मौसम जो है वो आज चिकन सूप बनाने का हो रहा है, तो मैं सूप बनाऊँ। इसमें जिंजर और गार्लिक के क्यूब्स डालूंगी, पानी डाल दूंगी और एक प्याज काट के मैं डाल दूंगी इसमें, नमक और काली मिर्च थोड़ी सी, और इसको मैं रख दूंगी प्रेशर पे 5 मिनट्स के लिए। मैं प्याज भी काट के डाल दिया है, हाफ प्याज काट के डाला है इसमें। अभी मैं डालती हूँ इसमें एक सॉल्ट, काली मिर्च भी मैंने डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी भी डालूंगी, बहुत थोड़ी सी। मैंने इसमें इतना पानी डाल लिया, बंद करती हूँ और इसको के लिए अब मैं जो सिरके और मिर्चों वाला जो सॉस होता है वो रेडी करूँगी, जिस तरह हमारा होता है सूप के साथ।
तो वो मैंने किसी ब्लॉगर का के किसी इन्फ्लुएंसर का देखा था, उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया था, तो वो मैं ट्राई करूँगी। पहले भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत मज़े का, बिल्कुल सेम वही टेस्ट बनता है जो हम रेस्टोरेंट्स में वो यूज़ करते हैं उसके साथ, सूप के साथ। तो मैं उसके लिए मिर्चों को काट रही हूँ और इसको मैं डालूँगी सफ़ेद सिरके में, और सिरके में डाल के उसको कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दूँगी, तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले सॉस की तरह आ जाएगा। मैं छोटे से बाउल में डालती हूँ और इसमें मैं डालूँगी ये डिस्टिल्ड विनेगर, इसको मैं अभी माइक्रोवेव करूँगी तकरीबन 35-40 सेकेंड्स के लिए, 35 सेकेंड्स के लिए इसको अभी माइक्रोवेव करती हूँ। तो ये हो गया है तैयार हमारा, और मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ ये एक ये सॉस, ये हो जाएगा शंग्रीला चिली सॉस, और इसके साथ मुझे चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर, तो ये कॉर्नफ्लावर का वो भी मैं बना लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से तैयार हो मेरा सूप। जी बर्तन भी मैंने धो लिए हैं और इसमें रहते हैं अभी 4 मिनट्स और रहते हैं, ये सारा कुछ भी मेरा रेडी है। तो अभी wow, that looks nice. जी तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.
देख के हैप्पी बर्थडे।